जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इस चैनल पे सोशियोलॉजी की सारी वीडियो अवेलेबल है। सोशियोलॉजी से अगर आप चाहते हैं नेट क्वालिफाई करना तो काफी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके नेट से संबंधित आप तैयारी कर सकते हैं। नेट से संबंधित क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट की जितनी वीडियो है उसको आप सुन जाइए, उसको टॉपिक वाइज सुनिए, आप देखिए सिलेबस में क्या है और यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को देख देख करके और नोट कीजिए, पॉइंट को याद कीजिए। और इसके साथ साथ एमसीक्यू बनाए हुआ हूं मैं, प्रैक्टिस कीजिए सोशियोलॉजी की हर एक टॉपिक पे। और जितनी भी सोशियोलॉजी की आप जो है ना, एक तो कॉन्सेप्ट को आप मजबूत कीजिए, कॉन्सेप्ट में क्या है, सोशल ग्रुप, स्टेटस, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ थॉट पे आपका कमांड होना, थॉट की जितनी वीडियो है, क्लासिकल थॉट पर पहले अगस्त कॉम्प्ट, मेल्डर, खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, टॉलकट पर्सन, जिसको बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया उसको आप करिए। उसके बाद मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को, और भी बहुत सारी वीडियोस है। तो चलिए इसमें हम लोग साथ साथ में थोड़ा मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ ताकि क्या कह रहे कि बात पूरी हो जाए। साथ साथ में जो लोग ग्रुप सी आर्मी पुलिस, खास तौर से देखिए ग्रुप सी आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए GK 1 से 105 की एक प्लेलिस्ट है, इसका नाम है 105 वीडियो का सेट है, उसको तैयार कर जाइए। और जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी वीडियो है, एक एक वीडियो वन बाय वन आप पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए, नोट लिखिए। बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे तैयारी करें, तो हर एक चीज का, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर्स टेकन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो जो उपाय अपनाया गया है, किस किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मेजर्स टेकन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, और इस पर बहुत बेहतरीन नोट्स है, और बात ये नहीं है कि बेहतरीन नोट्स है, साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या क्या उपाय अपनाने पड़ते हैं। और आजकल देखिए सबसे, हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आ रही है, देखिए दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं और जिन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है वो दो चीज़ों पे फोकस करके किया है, मैं आपको पहले बताता हूँ। एक है हेल्थ, फंडा आपका क्लियर कर दें, और दूसरा है एडुकेशन। देखिए हेल्थ पर अगर कोई भी गवर्नमेंट फोकस करती है कि उनकी जनता का हेल्थ अच्छा हो तो क्या होगा कि भाई शादी अगर कम उम्र में होगी, विवाह की आयु कम उम्र में होगी, अगर लोगों में जागरूकता आ गई कि हेल्थ को सही रखनी है, तो कम उम्र में आयु होने से क्या होता है, हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। आयु की उम्र जो है इंसान की इतनी हो, मजबूत हो कि वो हेल्थ पर उसका असर शादी की वजह से ना पड़े। अब कम उम्र में शादी हो जाएगी, एक तरह से बाल विवाह हो गया, अब बाल विवाह हो जाएगा जब तक आदमी मैच्योर हुआ नहीं, अब मैच्योर हुआ नहीं और शादी हो गई तो उससे होता क्या है कि उससे बॉडी वीक हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है। और आप देखिएगा जच्चा और बच्चा दोनों हमेशा बीमार रहते हैं, उसकी असल वजह यही है। दूसरा कारण, अगर किसी कौम और समुदाय एडुकेशन पे फोकस करे
शिक्षा पे। तो जाहिर सी बात है शिक्षा ग्रहण करने में, अब आप ये बताइए सिंपल बीए करने में 3 साल और एमए करने में 2 साल और पीएचडी कर लिया तो 3 से 4 साल, तो 4 × 3 = 7 = 9 साल, तो ऐसे हो गया। और 15 साल की उम्र में 10th किया उसने, प्लस 2 साल इंटर में 17 साल, और 17 + (minimum 10) और जॉब मिलते मिलते 30 से 35 चला जाता है, 35 में शादी होती है अमूमन एजुकेशन हासिल करने की वजह से। अगर कोई व्यक्ति बीटेक करता है और जॉब के लिए ढूंढता है, और कोई व्यक्ति 15 साल की उम्र में मैट्रिक कर लेता है, डायरेक्ट जॉब करने लगता है, छोटा बच्चा आप ये कहिए अंडर एज, और वो काम करने लगता है दुकान में, कहीं पे भी, होटल में चाइल्ड लेबर के रूप में भी काम करने लगता है, या 18 साल की उम्र से ही काम करने लगता है, और एक व्यक्ति 30 में काम करता है, दोनों के फर्क को समझिए, ये एजुकेटेड हो गया और ये उतना पढ़ा लिखा नहीं, 10th पास करके दुकान में लग गया, तो क्या होगा, ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 18 वाला व्यक्ति 22 में शादी कर लेगा 4 साल के बाद, लेकिन 30 वाला व्यक्ति जिसको जॉब लगी वो 34 में शादी करेगा, तो फिर आप ये देखिए 10-12 साल का डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन की वजह से। तो एजुकेशन की वजह से 10-12 साल, ये पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन में और हेल्थ में। इन बातों को आप खुद से भी समझ सकते हैं, और ये ऑप्शन के रूप में भी आता है, और ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है सब्जेक्टिव एग्जाम में, आईएएस पीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का आशय सोच समझकर स्वेच्छा से संतान उत्पत्ति करना एवं मनचाहे जन्म को प्रतिबंधित करना है। तो परिवार नियोजन का अर्थ है के प्लानिंग के साथ, नियोजित के साथ मनचाहे बच्चे पैदा करना और अनचाहे जन्म को प्रतिबंधित करना, मनचाहा बच्चा अनचाहा से। परिवार नियोजन रिसर्च एंड प्रोग्राम कोटी ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि परिवार नियोजन की कल्पना जन्म को प्रतिबंधित करने तथा बच्चों के जन्म में अंतर लाने का संकीर्ण अर्थ में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बच्चों की उत्पत्ति में पर्याप्त फासला रखकर परिवार का विकास समाज की एक इकाई के रूप में किया जाना चाहिए। तो क्या एक बड़ी बात है, वो कहते हैं गैप होना चाहिए, दूसरा कहते हैं सोच विचार करके, मतलब विचार पूर्वक कार्य है, विचार करके संतानोत्पत्ति करनी चाहिए, गैप होना चाहिए, आगे आइए। परिवार नियोजन के लक्ष्य जिसे उसे काय के कल्याण के लिए सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है, सुखी और स्वस्थ और संपन्न पारिवारिक जीवन के लिए विवेकपूर्ण संतान उत्पन्न अपने साधनों के अनुकूल इच्छानुसार परिवार की परिसीमित करना, दूरदर्शी मातृत्व को रोकना और संतति का उचित काल नियमन करना ही परिवार नियोजन है। प्रोफेसर H.N. कॉल के अनुसार परिवार नियोजन एक कल्याणकारी योजना है, कॉल साहब के अनुसार एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, परिवार की भलाई, समाज का सुधार और देश की उन्नति से है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लिखते रहें। भारत सरकार विश्व के कुछ सरकारों के प्रयास थी जिसने 1952 में एक राष्ट्रीय नीति तथा सामाजिक आर्थिक विकास की योजना के अभिन्न अंग के रूप में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया। हालांकि एक पुराना फंडा है, अभी का जो मैंने आपको पहले बताया हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस और लोगों को जागरूक करना, विवाह की उम्र को बढ़ाना। भारत सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया। देखिए असफल प्रयास, जब तक लोग नहीं चाहेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है, जब तक लोग नहीं चाहेंगे स्वेच्छा से, लोगों को एजुकेशन की तरफ आप मोटिवेट कीजिए और लोगों को हेल्थ की तरफ मोटिवेट कीजिए, जब लोग खुद हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे तो वो जनसंख्या स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 से 56-57
प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 है, 51 से 56 से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 तक अनेक प्रयास किए गए लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। देखिए सफलता नहीं मिली क्योंकि भारत में देखिए धर्म पर आधारित समाज है, ये भी लिखना है क्यों सफलता नहीं मिली। जाति व्यवस्था है, जाति धर्म का प्रभाव है, संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में बड़े की बात सुनी जाती है, और सबसे बड़ी बात स्वेच्छा नहीं है इसमें, स्वेच्छा से कोई नहीं कर पा रहा है। स्वेच्छा से तब बात ये आधुनिक बात है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में ही जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। 16 अप्रैल 1976 को डॉक्टर कर्ण सिंह इस नीति की घोषणा की थी, 16 अप्रैल 1976 याद रहे। पुनः 1977 में कुछ परिवर्तन कर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। आगे आइए, जनसंख्या नियंत्रण तो भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है। परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये परिवार नियोजन कार्यक्रम तो आपने अपने देख ही लिया, यह है इसका महत्वपूर्ण। 1951 से पहले पंचवर्षीय योजना से शुरू हो गया था। इस प्रयास का परिणाम ये रहा कि जन्म दर में थोड़ा गिरावट आने लगी। सन 2001 तक प्रत्येक दंपति को औसत 3.2 बच्चे थे 2001 तक, तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से जन्म दर में कमी लाई गई और 1951 में 48 पर 1000 या घटकर 2001 में 23,000 हो गया। देखिए ये फर्क हुआ, 48 से 23 हो गया 51 से 2001 तक। जनसंख्या नीति तो फिर क्या हुआ, फैमिली प्लान दूसरा आया, जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को भारत सरकार ने इस दूरगामी जनसंख्या नीति को घोषणा की। 1976 की नीति के अनुसार परिवार नियोजन को परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया। देखिए अब इसका नाम बदल गया, परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्यों? कि परिवार नियोजन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आप अपने परिवार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। जन्म दर 25/1000 लाने का लक्ष्य रखा गया, 25/1000। उधर आपने देखा जन्म दर घट करके 48 से 23 हो गया था और 25 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपाय अपनाए गए। पुनः नई जनसंख्या नीति 1977 में आया, फिर 1977 में एक जनसंख्या नीति आई 1976 के बाद, फिर उसमें सुधार हुआ था तथा कुछ सुधार कर लगभग उसी लक्ष्य को लेकर चला। और पुनः जनवरी 2000 में, ये है महत्वपूर्ण, 2000 में नई जनसंख्या नीति आई, उसे अपने प्रोग्राम को लेकर अग्रसर हुआ। और भी वीडियो में मैं बहुत सारी बातों बताऊंगा, ये सारे पॉइंट को आप नोट कर लें, ये हर एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम BA MA के हो या ISPCS के। स्त्री शिक्षा कन्या शिक्षण एवं, देखिए स्त्री शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, अगर स्त्री एडुकेट होंगी तो एडुकेशन में दो चीज मैंने कहा, एक तो एडुकेशन के माध्यम से क्या आती है, जागरूकता आती है। ये सब पॉइंट आप नोट करते रहेंगे, जब शिक्षा स्त्री शिक्षा आएगी तो जागरूकता आएगी स्वास्थ्य के प्रति, जागरूकता आएगी तो फिर क्या होगा, गैप बढ़ेगा तो विवाह की आयु बढ़ेगी। देखिए कितनी सारी पॉइंट है, इसको सारे को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे इसके साथ, ये तो समझने के लिए नोट। स्त्री शिक्षा कन्या शिक्षण उत्पादकता में सीधा संबंध है, आज केरल स्त्री शिक्षण में सबसे आगे है, फलतः वहाँ जन्म दर बहुत कम है, तो ये चीज है। आगे बढ़े फिर प्रतिनिधित्व, सन 2000 के संसद में प्रतिनिधित्व कितना है, सन 2000 के संसद में एक बिल पास नहीं हो सका, आज तक नहीं हो सका था। उसी बिल के अनुसार जिस व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक बच्चा हो वे सांसद नहीं बन, सांसद में आने का अधिकारी है। ये एक ऐसा अप्रत्यक्ष दबाव था जिसके माध्यम से सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास करती है। विवाह की न्यूनतम आयु भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए सहायक हुई। 16 अप्रैल 1976 में विवाह की न्यूनतम आयु, पता है आपको, लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई
और लड़कों के लिए 21 वर्ष की अवधि गई, इससे बहुत फायदा हुआ। हालांकि व्यावहारिक रूप से इसको देखा जा सकता है, निम्नतम आयु से कम उम्र में विवाह करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया, जनसंख्या नीति के रूप में घोषित की गई उसमें। और चलिए आगे देखिए, गर्भपात। 1972 में गर्भपात कानून पास किया गया। इस कानून के अनुसार स्वास्थ्य के आधार पर या अन्य दूसरे कारणों से गर्भपात अपनाया जा सकता है। माताओं के जीवन की रक्षा हेतु भी कानून बनाया गया। अतः गर्भपात कानून आने से जनसंख्या पर धीरे धीरे नियंत्रण पाया। तो ये पॉइंट है, गर्भपात का भी बहुत बड़ा रोल है, यानी उसके कारण भी जनसंख्या में काफ़ी नियंत्रण हुआ है। और आगे आइए, गर्भ निरोधक साधन। गर्भ निरोधक साधन अपनाने के बावजूद, ये आप देख लीजिएगा ये पॉइंट, बहुत सारे गर्भ निरोधक साधन हैं जैसे कंडोम निरोध, अप्सरा और ये सारी चीज़ें, लूप आदि का प्रयोग कर आसानी से अनचाहा बच्चों को ख़त्म किया जाता है। और आज प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति इन साधनों का प्रयोग आमतौर पर करने हैं। तो ये चीज़ें हैं, उपयोगिता तक किसी भी न होने वाले उस परिणामों में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, निरोध व्यापारिक वितरण स्कीम, निरोध को जो है क्या करें कि घर घर तक पहुंचाया गया, लोगों तक पहुंचे। संपूर्ण देश में 3 प्रमुख स्कीमों को अपनाया गया। व्यापारिक वितरण स्कीम, मुफ्त स्फूर्ति स्कीम, डिपोर्ट होल्डर्स स्कीम। इस स्कीम के तहत व्यापारिक वितरण स्कीम से सितंबर 1968 में प्रारंभ की गई। इस स्कीम के तहत 7 व्यापारिक कंपनियों के द्वारा अनेक सेल्समैन, थोक फुटकर विक्रेता आदि के द्वारा व्यापक पैमाने पे विस्तारित किया गया, वितरित किया। निःशुल्क पूर्ति स्कीम, निःशुल्क भी दिया गया, निःशुल्क पूर्ति इसके द्वारा निरोध के साथ अन्य गर्भ निरोधक साधनों को निःशुल्क इच्छुक व्यक्ति को वितरित किया गया, जैसे जेनी क्रीम, फोम, गर्भाशय टोपी, जो भी है। उपर्युक्त समस्त चर्चाओं के आधार पर निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ा रहा है, और उधर भारत की जनता भी अपना काम कर निश्चित हो रही है, हो जाती है। आज तो वे लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम को उपयोग करते हैं जिसके पास 5 से 6 बच्चे हो जाते हैं। अतः सरकार को इस कार्यक्रम को अधिक ध्यान से चलाना चाहिए। देखिए, सबसे अब मैं इसको थोड़ा कंक्लूजन कर दूं फिर से कि परिवार नियोजन के लिए, फिर मैं आपको बताऊं नियंत्रण क्या क्या, जो भी नियंत्रण, परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ, जनसंख्या नियंत्रण निरोध का इस्तेमाल हुआ, क्या कह रहे कि जो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया गया, फिर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अपनाई गई, शिक्षा के प्रति जागरूकता अपनाई गई, विवाह की आयु में परिवर्तन हुआ, विवाह की आयु में बदलाव आया, जन जागरूकता आई, ये सारे स्कीम के कारण जनसंख्या नियंत्रण में आया। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के ये सारे साधन चूंकि दबाव मूलक थे, तो दबाव में भारत जैसे समाज में, मैंने आपको कहा कि भारत में क्या है, जाति है, भारत में संयुक्त परिवार है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा नहीं है, और शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव, ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे, जागरूकता का अभाव है, इसके कारण ये सारा जो है सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाया गया, और ये व्यवहारिक रूप से ये असफल रहा। भारत आज 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है, 125 करोड़ तो बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा है। तो ये व्यवहारिक रूप से ये सफल नहीं रहा, चूँकि लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ। इसको भी आप लिखेंगे, मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, मनोवृत्ति में परिवर्तन करके ही आप क्या कह रहे हैं कि परिवार नियोजन तो वर्ड ही सुनने में बड़ा अजीब लगता है, तो उसको बदल करके परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। बल्कि इसका सही उपयुक्त नाम तो परिवार ये होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रम,
वो कल्याण उल्याण हटा देना। स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रम का मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दो, खुद से कंट्रोल हो जाएगा। तो बाकी ये जो स्कीम था ये घोड़ा दौड़ाने के और कागज पर ये स्कीम सफल रहा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में सफल नहीं रहा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।